व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग में हम यहाँ पहुँच गए थे जोशुआ ट्री नेशनल पार्क कैलिफोर्निया में, एंड मैंने आपको अभी अपार्टमेंट नहीं दिखाया था। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये अपार्टमेंट टूर देता हूँ जो हमने एयरबीएनबी बुक कराया है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम द आउटसाइड। सामने गैराज है एंड ये ड्राइववे में दो गाड़ियाँ। देन पहले मैं आपको हमारा बैकयार्ड दिखाता हूँ, फिर अंदर वाला पार्ट दिखाऊंगा। घर के बिल्कुल बाहर ही है, बैठने की इतनी अच्छी सीटिंग है अगर शाम को बैठ के आराम से चिल करना है। उसके बाद पूरा एक हमारा बैकयार्ड है। दिस इज़ आवर होल बैकयार्ड। वहाँ पर इवन बॉनफायर के लिए भी पूरा सेटअप है। यहाँ और बैठने की जगह, सन बेड्स, ये मतलब जितनी भी आप जगह देख रहे हो सामने, ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है हमारी। यहाँ पर आई थिंक रात को आराम से बॉनफायर करेंगे हम, क्योंकि रात को यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा है। एंड यहाँ से जाके है सबसे पहले तो प्रॉपर एक ग्रिल बारबेक्यू करने के लिए, प्रोपेन वाली। अगर मन हुआ तो बारबेक्यू भी करेंगे। सारी इक्विपमेंट भी दी हुई है। देन उसके बाद वी ऑल्सो हैव एन आउटडोर बाथटब नेचर में, बिल्कुल मतलब बैकयार्ड में बाथटब है ये। देन वी ऑल्सो हैव एन आउटडोर शावर, वहाँ पे लॉन्ड्री रूम है। एंड अब मैं आपको अंदर से दिखा के लाता हूँ घर। सो दिस इज़ द लिविंग एरिया। सामने इतना बढ़िया काउच, बैठने की जगह, नाइस टीवी। Veronica, how do you like this place? It's really beautiful. Yeah? It is one of the best Airbnbs we have stayed at. Yeah. And we also have a proper kitchen. And jitne bhi ye sare appliances lage hue hain, bahut hi high quality lage hue hain. Coffee ke liye Chemex machine. Matlab puri facilities di hui hain har cheez ke liye. Yahan par even piano hai jo fully functional hai by the way. And jo puri decor hai ghar ki, wo matlab itni acche se kari hui hai कि एक बहुत ही बढ़िया वाइब आ रही है। एंड एक रूम यहाँ पर है, देन यहाँ पर है वॉशरूम, अंदर भी है बाथटब एक। एंड मुझे ये वाइट और गोल्ड जो थीम है ये इतनी ज़्यादा बढ़िया लगी। बाथटब एंड शावर। एंड एक रूम है यहाँ पर, मैं और वेरोनिका ये वाला रूम ले रहे हैं। यहाँ से सामने वही बैकयार्ड का व्यू है जो मैंने आपको अभी दिखाया था। तो हमारा स्टे यहाँ पे दो नाइट का है। एंड अगर आप लोग भी कभी कैलिफोर्निया आओ एंड आपको ये वाला एयरबीएनबी बुक कराना है तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड अभी बस थोड़ी देर चिल करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ड्राइव करके काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। सो गाइज इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आज मैं आपको दिखाऊंगा ये पूरा जोशुआ ट्री नेशनल पार्क। कल मैंने शाम को ज़्यादा फिल्म नहीं किया क्योंकि आराम से हम थोड़ा रिलैक्स कर रहे थे। एंड सुबह सुबह मैं थोड़ी देर यहाँ एडिटिंग कर रहा था, ये मैंने अपना सेटअप बना लिया है। एंड अब एक बार कुछ नाश्ता ढूंढ के आते हैं। एंड यहाँ एयरबीएनबी में स्मार्ट लॉक है तो चाबी की ज़रूरत नहीं है, आप कोड से ही खोल सकते हो। ये बहुत ही सही चीज़ है एयरबीएनबी के लिए, ताकि आपको बार बार चाबी की टेंशन ना हो। एंड आज मौसम पूरा क्लाउडी है, इवन दो यहाँ पर इतनी रेयरली बारिश होती है। तो बाशन जफरी तो पैदल ही गए हैं, वो भी कुछ नाश्ता करने गए हैं, मैं इतने एडिटिंग कर रहा था। एंड हम तो गाड़ी लेके जाएंगे यार, अभी चलने का मन नहीं है। कल रात को डिनर के लिए हम यहाँ गए थे, ये जोशुआ ट्री सैलून, बहुत ही बढ़िया जगह थी, मतलब एकदम ट्रेडिशनल अमेरिकन जैसा मूवीज़ में दिखाते हैं। एंड वैसे तो सामने सबवे भी है, बट पहले एक जगह ढूंढी है यहाँ जाके देखते हैं, वरना फिर सबवे का सैंडविच ले लेंगे। ये जोशुआ ट्री बहुत ही मतलब छोटा सा क्यूट सा टाउन है, मतलब जो मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं छोटे छोटे जो अमेरिकन विलेजेस होते हैं, बिल्कुल वैसा लग रहा है। बट बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ की। एंड सामने एक इतनी बढ़िया फार्मर्स मार्केट लगी हुई है, तो ये भी देख के आते हैं कि क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो इन मार्केट्स में बेसिकली जो लोकल फार्मर्स होते हैं आसपास के, वो अपना फ्रेश प्रोड्यूस लेके आते हैं। एंड जनरली टू बी ऑनेस्ट, ये सारी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये ग्रोसरी स्टोर से मतलब एटलीस्ट दो गुना महंगी होती हैं, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है। तो बहुत सारे लोग हनी, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वहाँ पर स्ट्रॉबेरी वगैरह मिल रही हैं, वहाँ पर इवन फ्रेशली रोस्टेड कॉफ़ी, हर चीज़ के अलग अलग स्टैंड है। ये लोग मतलब लाइव सिंगिंग परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे मिल रहे हैं फ्रेश हैंडमेड सोप, वेरोनिका थोड़े से पीचेस ले रही है यहाँ पर, ये फ्रेश। तो फार्मर्स मार्केट से ब्रेड ले ली थी एंड बाकी चीज़ लेने आए हैं यहाँ पर सैम्स मार्केट। एंड यहाँ जोशुआ ट्री में, जो इतना फेमस भी नहीं है, यहाँ तक इंडियन रेस्टोरेंट है, तो इंडियन खाना तो आपको हर जगह मिलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि लंच करने यहीं पर आए। तो
अब ब्रेकफास्ट करके फाइनली जा रहे हैं जोशुआ ट्री एक्सप्लोर करने। ये जो जगह है सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी हाइकिंग ट्रेल्स के लिए, बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जगह जगह। तो हमने एक बहुत ही फेमस वैली ढूंढी है सबसे पहले जाने के लिए। तो अब यहाँ से निकलते हैं, आई थिंक 5-7 मिनट की ड्राइव होगी, फिर आपको ये आसपास का एरिया दिखाता हूँ नेशनल पार्क का। लेट्स गो। यहाँ से एंट्रेंस है जोशुआ ट्री नेशनल पार्क की। तो जो मेन नेशनल पार्क है उसकी एंट्रेंस थी $30 की। एंड एक बार ये बीच में रुके हैं थोड़ा सा व्यू इन्जॉय करने। तो ये जो आप मेरे सामने पेड़ देख रहे हो, इन ट्रीज़ को जोशुआ ट्री कहते हैं, इसी के ऊपर ये नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। एंड यहाँ नेशनल पार्क से कहते हैं कि रात को पूरी गैलेक्सी दिखती है। बट अभी हमें एक आगे ट्रेल पे जाना है, वो यहाँ से 10 मिनट की और ड्राइव है। एंड आज वेदर इतना ज़्यादा अच्छा है, आई थिंक 25-26 डिग्री होगा। अगर ऐसा वेदर वेगस में होता तो इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते, मतलब बिल्कुल परफेक्ट वेदर है घूमने के लिए। एंड यहाँ नेशनल पार्क में बहुत सारी ऐसी ये रॉक फॉर्मेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स भी हैं यहाँ पे, मतलब बोर्ड लगे हुए थे काफ़ी सारे, बी अवेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ, आई थिंक रैटल स्नैक्स, माउंटेन लायन और जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं। एंड ये इन्होंने पूरा मैप दिया है नेशनल पार्क का कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, कौन सी ट्रेल है। हमें जाना है हिडन वैली ट्रेल में। एंड यहीं पे जोशुआ ट्री नेशनल पार्क के पास है कोचेला वैली, जहाँ पर कोचेला होता है बहुत ही फेमस म्यूज़िक फेस्टिवल। यहाँ पर इन्होंने बोर्ड पे मेमोरियल फायर के बारे में बताया हुआ है, जब यहाँ पूरी ये डेजर्ट में आग लग गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्राई है ये जगह, इतने सारे ड्राई पेड़ हैं, May 27, 1999 में। तो अभी तक तो ट्रेल तक भी नहीं पहुँचे हैं जो मेन ट्रेल है हाइकिंग की। एंड बीच में ही इतनी सारी ये अट्रैक्शंस हैं, व्यू पॉइंट्स हैं देखने लायक। ये इतनी बढ़िया सी एक रॉक फॉर्मेशन है, पता नहीं डेजर्ट के बीच में इतने बड़े बड़े पत्थर ही आए कहाँ से। तो अब फाइनली पहुँचे अपनी फर्स्ट लोकेशन पे, दिस इज़ दी हिडन वैली ट्रेल। आई थिंक आगे से थोड़ी सी हाइकिंग स्टार्ट होगी। Veronica, don't you think it looks really cool, these rock formations? It looks awesome. It looks like we are in a movie or something. Yeah, a movie could be shot here for sure. Yeah, and बहुत सारे लोग अपनी RV लेके आए हुए हैं। ये बहुत फेमस ब्रांड है एक्चुअली क्रूज अमेरिका, RV रेंट करने के लिए। हमारा भी पहले प्लान था कि RV रेंट करें, फिर हमने सोचा कि अगली बार करेंगे जब US आएंगे। सो यहाँ से स्टार्ट है रास्ता हिडन वैली ट्रेल का। तो सिर्फ 800 मीटर लंबी ट्रेल है ये। तो यहाँ से है द ओपनिंग ऑफ द हिडन वैली। मतलब यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूवी शूट हुई हो यहाँ पर। तो यहाँ व्यू पॉइंट तक हाइक करके आए हैं एंड दिस इज़ द होल व्यू। मतलब बहुत सारी ऐसी और हाइकिंग ट्रेल्स हैं जहाँ आप जा सकते हो, बट मोर और लेस पूरा पार्क ऐसा ही दिखता है। बहुत गर्मी नहीं है? नहीं है बहुत गर्मी? देन थोड़ी ठंडी। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई गेम भी यहाँ बन सकती है, पबजी टाइप, पबजी का कोई मैप। एंड ये जो सामने फॉर्मेशन है ये बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कैपेडोकिया में होती है टर्की में। मौसम इतना बढ़िया है तभी इतनी हाइकिंग हो पाई, अगर गर्मी होती तो मुझे लगता नहीं इतना मज़ा आता, क्योंकि डेजर्ट में 40-45 तक टेम्परेचर चले जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ट्रांजिशन जोन है, कि कैसे हिडन वैली में प्लांट की एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ चेंज होती है जैसे जैसे आप आगे जाओगे। अब फाइनली धूप निकल गई है बड़ी तेज़। इस कैक्टस लुक्स को, दिस प्लांट्स लुक सो कूल, डोंट टच इट। You know, when I was a kid, I took one like that in my hand. तो बस अभी Airbnb वापस आए हैं एंड यहाँ बिल्कुल सामने वहाँ पर कोई लाइव सिंगिंग कर रहा है। मतलब इन्होंने एक स्टेज टाइप बनाया हुआ है कॉन्सर्ट से के लिए, लाइव सिंगिंग चल रही है।
गाइस अभी बजे हैं सुबह के 6 एंड हम 2:30 बजे सुबह के निकले थे जोशुआ ट्री से यहाँ लॉस एंजलिस के लिए, क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट है सैन फ्रांसिस्को तक की। अब 4 दिन हम सैन फ्रांसिस्को में हैं, सिर्फ 1 घंटे में स्टार्ट है बोर्डिंग। तो 1 घंटे की छोटी सी फ़्लाइट के बाद वी आर फाइनली इन सैन फ्रांसिस्को। यार मतलब सुबह से इतनी ज़्यादा नींद आ रही है क्योंकि 2:30 बजे उठना पड़ा था, बस अब जाके गाड़ी रेंट करनी है यहाँ पर भी, क्योंकि US में यार बिना गाड़ी के काम नहीं है। यूरोप में तो आप फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर इतना कोई अच्छा नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो गाड़ी रेंट करनी ही पड़ती है। एंड बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि गाड़ी रेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो बेसिकली आपको US में कार रेंट करने के लिए, एक तो अपना लाइसेंस, अगर आपके पास इंडिया का लाइसेंस है तो वो भी यहाँ चलेगा इजीली। उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है क्रेडिट कार्ड। विदाउट क्रेडिट कार्ड यहाँ गाड़ी नहीं देते हैं, क्योंकि अराउंड $200-$250 ये ब्लॉक करते हैं डिपॉज़िट, अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं गाड़ी में इंटीरियर में जो कवर्ड नहीं होती इंश्योरेंस में, तो उसके लिए एक डिपॉज़िट ब्लॉक करते हैं एंड वो आप डेबिट कार्ड से नहीं दे सकते। तो बस यही 2 डॉक्यूमेंट चाहिए, तीसरा और कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अब जाके बस बैगेज लेते हैं अपना, गाड़ी रेंट करते हैं, चलते हैं अपने होटल। सैन फ्रांसिस्को इतना महंगा है कि मतलब ये जो ट्रॉली होती है लगेज की, ये भी फ्री में नहीं है, इसका भी प्राइस $8 है। कौन $8 पे करेगा एक ट्रॉली लेने के लिए, ये तो इनको फ्री रखनी चाहिए थी। ये मैंने किसी एयरपोर्ट पे पेड़ नहीं देखी, पहली बार देख रहा हूँ। मैंने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ US में कि जितने भी एक कार रेंटल के ऑफिसेज होते हैं, ये कोई भी मतलब बिल्कुल एयरपोर्ट पे नहीं है। LA में भी हमें बस लेके पहले जाना पड़ा था आधा घंटा दूर, यहाँ सैन फ्रांसिस्को में भी स्काई ट्रेन चलती है मेन एयरपोर्ट से ये पार्किंग रेंटल सेंटर तक, ये भी अराउंड 15-20 मिनट की राइड थी। बट गाड़ी बहुत ही स्मूथली मिल गई है, सिर्फ लाइसेंस एंड क्रेडिट कार्ड दिया, 5 मिनट लगे। अब लेते हैं गाड़ी, गैराज तक जाना है, फिर अपने होटल में चेक इन करने चलते हैं। जो हमारा होटल है बिल्कुल सबसे मेन एरिया में है सैन फ्रांसिस्को के, यूनियन स्क्वायर। तो सामने पूरा डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को है एंड हमें जाना है यूनियन स्क्वायर। तो यहाँ से अब मेन जो सैन फ्रांसिस्को सिटी है, अराउंड 20-25 मिनट की ड्राइव है। एंड ये जो हाईवे है इसे PCH बोलते हैं, पैसिफिक कोस्ट हाईवे, साइड में बिल्कुल पैसिफिक ओशन है। एंड सैन फ्रांसिस्को में क्योंकि ये नॉर्दर्न कैलिफोर्निया है तो कंपैरेटिवली LA वगैरह से ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। एक और चीज़ जिसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है सैन फ्रांसिस्को, आई थिंक सबको पता ही होगा, वो है सिलिकन वैली। जितने भी सबसे बड़े टेक जायंट्स हैं, गूगल, एप्पल, ट्विटर, सबका हेडक्वार्टर यहीं सैन फ्रांसिस्को के पास ही है, सैन होजे में, सिलिकन वैली जो बोलते हैं। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब का हेडक्वार्टर विजिट करके आऊँ। कॉमेंट डाउन बिलो इफ़ यू वॉन्ट मी टू विजिट यूट्यूब हेडक्वार्टर्स। आई थिंक सैन फ्रांसिस्को इकलौती सिटी है कैलिफोर्निया में जहाँ ऐसी ये ट्रैम चलती हैं पुरानी। सो फाइनली होटल पहुँच गए हैं, फेयरमोंट सैन फ्रांसिस्को। तो होटल में चेक इन कर लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है, बट ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा एंड नेक्स्ट वीडियो से ही सैन फ्रांसिस्को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, इफ यू आर इन्जॉइंग द US सीरीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।